सवाल है कि मनोज डे इतना ग्रो कैसे हो गया, तो जवाब है कि मनोज डे ने मेहनत किया उसलिए ग्रो हुआ। तो इस पे भी एक सवाल है कि क्या जब मनोज ने मेहनत कर रहा था तो बाकी सब सो रहे थे, कि वो उन्होंने मेहनत नहीं किया, सिर्फ मनोज ने ही मेहनत किया तो वो ग्रो हुआ, तो इसका क्या जवाब है? बने रही वीडियो में, आपको पता चलेगा। मनोज को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, है ना, बहुत ही पहले से देख रहा हूँ, जब से वो मान के चली सॉरी काम कर रहा है उसके कुछ सालों बाद से मैं देख रहा हूँ उसको, तकरीबन 4-5 साल से तो मैं जानते ही हूँ उसको। और सिर्फ वही क्यों ग्रो हुआ, उसका चैनल कैसे ग्रो हुआ? कई लोगों का मानना है कि उसने मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत तो किया उसने थोड़ा बहुत। कई लोग को बोलना है कि चालाकी किया उसने, तो भाई यूट्यूब पर अगर ग्रो होना है तो चालाकी तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं नहीं मैक्सिमम उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। मान के चलिए 2018 में या 17 में जब वो मेहनत कर रहा था तो बाकी के लोग भी तो मेहनत कर रहे थे ना, जब वो ग्रो हो रहा था तो बाकी के लोग भी तो ग्रो हो सकते थे ना, लेकिन बाकी को लोग नहीं हुए ग्रो। क्यों? क्योंकि वो लोग इससे नहीं हारे, अपनी किस्मत से हारे। उस समय ही बहुत लोग मेहनत कर रहे थे, मान के चलिए अभी जैसे माय स्मार्ट सपोर्ट जी तो उसके पहले के हैं, तब भी देखिए क्या स्थिति है उनकी। मनोज जी आगे हर वीडियो पे लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो ये कहना गलत है कि उसने मेहनत किया, मतलब मेहनत तो किया लेकिन अपनी किस्मत से जीता है वो। बाकी के लड़के भी मेहनत कर रहे थे, वो अपनी किस्मत से हारे हैं। आपको यूट्यूब पे काम करना है, बस आप काम करते रहिए, इसमें कोई भी तरीका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जब आपका नसीब साथ दे देगा तब आप ग्रो हो जाओगे। ये तो बिल्कुल मत मानना कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर आज भी टैलेंट नहीं है, ये मैं ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ। जितना उसने पैसा कमाया ना उतने उस हिसाब से उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, उस हिसाब से उसकी थिंकिंग नहीं है। कमा रहा है वो बात अलग है, मुझको पता है कहीं ना कहीं से ये वो वीडियो भी देख भी रहा होगा, लेकिन कमेंट तो करेगा नहीं। पहले जब छोटा क्रिएटर था ना किसी के ऊपर भी वीडियो बना देता था, एक समय पे जाने पे खैर पोजीशन में जाने के बाद आदमी उतना ध्यान भी नहीं देता, इग्नोर भी कर देता है, हम सोचते भी सोच लेता है कि चलो हमारे नाम से व्यूज़ ले रहा है, चलिए उसके लिए ही मैं बना दिया ये वीडियो, व्यूज़ ही के लिए कि चलो 400-500-800 जितने भी व्यूज़ आ जाए, ऐसे कुछ होगा नहीं। मैं चाहूँ तो नहीं भी बनाऊँ, कौन सी वीडियो वायरल हो जाएगी, मेरे को ऐसी बात करना था तो मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर वायरल भी हो गई तो क्या मेरे पास करोड़ों सब्सक्राइबर्स थोड़े ना आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, मुझको पता है कि उतने व्यूज़ भी नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को बस बात करनी थी। मैं मतलब आपके मन में एक बात मेरे को ये डालनी थी कि ये मत सोचना कभी भी कि मनोज ने मेहनत किया, ये इसके साथ साथ सोचना कि उसकी किस्मत ने उसके साथ मेहनत किया, उसकी किस्मत ने उसके साथ गद्दारी नहीं दी, उसलिए वो चल गया, और उसको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप ग्रो नहीं हो रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आप गलत कंटेंट बना रहे हो या ख़राब कंटेंट बना रहे हो या आपकी वीडियो में कोई कमी है कि मोबाइल से शूट कर रहे हो कि अच्छा सेटअप चाहिए कि लाइट नहीं है, नहीं कुछ नहीं दोस्त, थोड़ी सी आपकी किस्मत में कमी है, बस ये ध्यान रखना। अब किस्मत को कैसे चेंज करें? किस्मत को चेंज नहीं कर सकते, समय है अभी, उसका समय शुरू से रहा अब तक है, आगे तक भी रहेगा आई होप, क्योंकि जैसा सपोर्ट उसको मिला है आगे तक भी रहेगा। आप ख़राब नहीं हो, आपका समय खराब है, तो समय को सही करने के लिए, समय को थोड़ा ठीक करने के लिए, समय को थोड़ा सही समय दीजिए, सही समय आएगा, है ना, सही समय नहीं, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय अपने आप को समय देगा तो वो आपको समय देगा, और आपको उसी समय का तो इंतज़ार है ना यार। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, जो काम आप कर रहे हैं करते जाइए, आपको लगता है खराब वीडियो बना रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, खराब वीडियो बनाते जाइए, एक समय में आपका भी चैनल ग्रो होगा। जब अंधेरा आता है ना, रात होती है, तो अगर हम अपना हाथ पैर पटकने लगे कि यार रात हो गई, अंधेरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब अपने को सूरज चाहिए, उजाला चाहिए, बहुत अंधेरा है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मर जाऊँगा, ये वो, तो मर जाओ आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सूरज अगले दिन सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे ही खेलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो वो तो अपने समय से ही आएगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे कर रहे हो, अरे यार चैनल नहीं चल रहा यार, व्यूज़ नहीं आ रहे यार, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, नहीं भाई समय दो। रात को आप बोल रहे हो कि सूरज उग जाए, तो रात को थोड़े ना सूरज उग जाएगा यार, 5-6 घंटे के बाद ही तो सूरज उगेगा ना। तो यहाँ पे आपको पता नहीं कि आपका सूरज कब उगेगा, आपको कितना इंतज़ार करना है, कितनी आपसे ईश्वर और प्रार्थना ले रहा है, कितनी और आपसे ईश्वर मेहनत करवा रहा है, आपको नहीं पता। सूरज लेकिन उगेगा तो ना यार, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ चलो आप थोड़ा पहले उठ गए, आप मैं 12 बजे से गिर रहा हूँ, मैं बोल रहा चलो आप 6 बजे शाम को सो गए, तो सुबह 6 बजे 12 घंटे के बाद तो उगेगा ना सूरज, उगेगा तो ना। मैं बोला चलो और पहले सो गए, 12 बजे दिन में ही सो गए आप, 12 बजे दिन में सो गए, तो सुबेरे 6 बजे सूरज के उगने के लिए 12 से तकरीबन 18 घंटे मान के चलिए लगते हैं, तो 18 घंटे बाद ही उगेगा तो ना सूरज,
ऐसा तो नहीं कि डूबा रहेगा, उगना ही है, उसका काम ही है उगना, उगना ही पड़ेगा उसको। वैसे ही आप मेहनत करोगे ना, चमकना ही है, किस्मत चमकेगी ही, चमकना ही है किस्मत को। लेकिन तब तक अगर आपने अपने ऊपर धैर्य रखे तभी की बात है, और अधिकतर लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं। आजकल के युवा में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 19 साल की लड़की एक सुसाइड कर लिया रहे इंदौर में, कल मैंने न्यूज़ देखा। क्या और रीज़न क्या दे रही है? रीज़न ये है कि भाई उसने एडमिशन ले ली थी इंजीनियरिंग में, तो 8 में से 5 सब्जेक्ट में उसको फेल हो गई, तो इंग्लिश आती थी नहीं, तो आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते थे उसका, सुसाइड कर लिया। बताओ, इतनी कमज़ोर मानसिक प्रवृत्ति के हैं लोग, इतनी सी मतलब मुश्किलों में सुसाइड कर लिए। भाई थोड़ा समय दो अपने आप को, सीखो इंग्लिश। ऐसा तो नहीं कि हाउ ये नहीं बनेगा, बनेगा ना यार, फर्स्ट ईयर में निपटा लिया अपने आप को। हो सकता है आप भी अपने लाइफ के फर्स्ट ही फेज में होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे और सोच रहे हैं चैनल ग्रो हो जाए। नहीं ना दोस्त, टाइम लगेगा, कहीं 12 घंटे लग रहे हैं, कभी 5 घंटे लग रहे हैं, कभी 8 घंटे, हो सकता है 3 बजे रात को सो तो अगले 3 घंटे बाद ही सूरज उग जाए, तो आपको नहीं पता आप कब सोए हो, आपको नहीं पता आप कब से काम स्टार्ट कर रहे हो, है ना। हो सकता है आपने लेट काम स्टार्ट किया तो सूरज भी लेट उगेगा, लेकिन उगेगा जरूर। मोटिवेटेड रहिए, काम करते रहिए, चैनल होगा आपका ग्रो। मेरी सारी वीडियोस देखिए, आप इस चैनल को मत कीजिए सब्सक्राइब, मैं नहीं बोल रहा सब्सक्राइब करने को, लेकिन देखिए सारी वीडियोस, आपको पता चलेगा थोड़ा मोटिवेशन कैसे हमको अपने जीवन में मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, सारी चीज़ें पता चलेंगी। बस वीडियोज़ देखिए मेरी।